हरियाणा से खबर शामिल करते हैं, जहां पर भारतीय पंजाब पुलिस ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा अमृतपाल सिंह को पनाह देने के इल्ज़ाम में एक खातून को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतपाल सिंह, जो 18 मार्च से मफरूर है, के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन 23 फरवरी के बाद शुरू हुआ, जब अमृतसर के एक पुलिस स्टेशन पर अमृतपाल और उसके साथियों की जानिब से हमला किया गया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब पुलिस ने खालिस्तान तहरीक के रहनुमा अमृतपाल सिंह को पनाह देने के इल्ज़ाम में हरियाणा से ताल्लुक रखने वाली 30 साल खातून को गिरफ्तार किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुलजिम खातून बलजीत कौर ने तफ्तीशकारों को बताया कि अमृतपाल और उसके साथ एक आदमी ने अपने मंसूबों के बारे में बताया कि अब उनका अगला पड़ाव उत्तराखंड होगा, जहां वो जा रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने इंस्पेक्टर जनरल चैंसर गिल के हवाले से बताया कि खातून अमृतपाल के साथी पिपलप्रीत सिंह के साथ पिछले 2.5 साल से रابطے में थी। पिपलप्रीत सिंह को आखिरी बार अमृतपाल सिंह के साथ जलंधर जिला के दारापुर गांव में एक गाड़ी में जाते हुए देखा गया था। पुलिस ने नई CCTV फुटेज जारी की, जिसमें मुबैना तौर पर 20 मार्च को कोर के घर के करीब अमृतपाल सिंह और पिपलप्रीत सिंह को दिखाया गया। इंस्पेक्टर जनरल ने कहा है कि ये मालूम नहीं है कि अमृतपाल सिंह ने हरियाणा जाने के लिए किन जराए नकलो हमल का इस्तेमाल किया। अमृतपाल का पंजाब में आखिरी मालूम मकाम जलंधर लुधियाना रोड पर 18 मार्च की सुबह 9:40 बजे एक तफरीही पार्क के करीब था।